मुजफ्फरनगर जनपद के जिला चिकित्सालय पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी। आपको बता दें कि गत दिनों देवबंद निवासी मतलूम के साथ थाना नई मंडी क्षेत्र के बागोवाली गांव के बाहर कुछ युवकों ने मारपीट कर दी, जिसमें जिले की AIMIM ने मारपीट का विरोध किया और पीड़ित मतलूम का हालचाल जाना। AIMIM जिलाध्यक्ष मौलाना इमरान हाशमी ने अवगत कराया कि इस संबंध में आज आला अधिकारी के साथ वार्ता की और जल्द से जल्द अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अंसारी के संज्ञान में है और उन्हीं के आह्वान पर आज पीड़ित मतलूब से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं उनके मुल्क में रोज रोज कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि यदि इन पर कार्रवाई न की गई तो मामला ज्यादा खराब होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आला अधिकारियों से मुलाकात की है तो उन्होंने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पहुंचकर पीड़ित मतलूब से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मामला अभी देख लीजिए, कल परसों की जो घटना है वो बागोवाली बाईपास के ऊपर, एक शख्स है मतलूब साहब, बागोवाली से आ रहे थे। बाईपास पर जैसे पहुँचते हैं तो कुछ लोग आए और उन्होंने आकर हमला कर दिया। और इस तरह की घटनाएँ हमारे मुल्क के अंदर रोज़ बरोज़ कहीं ना कहीं मिलती रहती है। इससे बहुत ही खदशा पहुंच रहा है और आने वाले वक्त में ऐसा लगता है अगर इस तरह की घटनी ऐसी तरह होती रही और इन लोगों पर कार्रवाई न की गई तो और ज़्यादा मामला ज़्यादा ख़राब होने की उम्मीद है। तो अभी हमने कुछ आला अधिकारी उनसे भी मुलाकात की है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हादी शौकत अली के आदेश अनुसार MIM का पूरा एक बहुत वहाँ पहुँचा था बागवाली। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने जानकारी ली है, उसके बाद फिर हम यहाँ अस्पताल के अंदर पहुँचे हैं, उनसे मुलाकात की है। उनको इस तरह पीटा गया जैसे किसी जानवर को पीटा जाता है। जब उनकी हमने पीट खोल कर देखी, उनकी कमीज उठाई तो बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया है। और मैं सोच ये रहा हूँ कि अब तक वो लोग पकड़े क्यों नहीं गए, अफसोस की बात तो ये है। अभी कुछ समय पहले भी एक इस तरह की घटना जी, तब कहाँ थे आप लोग? नहीं, जब भी इस तरह की घटना जो हमारी नॉलेज के अंदर आती है, वो किसी की भी साथ में हो, हम तुरंत आवाज़ उठाते हैं। अगर ना हो तो दूसरी बात है, लेकिन हम हर शख्स के लिए खड़े हुए हैं। वो किसी भी समुदाय का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, अगर किसी को प्रजुल्म होगा तो सबसे पहले MIM की पूरी टीम वहाँ पर खड़ी हुई है। ये घटना लगभग परसों की है तो परसों से अब तक कितना लेट? हम लोग परसों से इसके अंदर लगे हुए हैं। मतलब भाई से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, उनसे मुलाकात आज हुई है, लेकिन हम परसों से ही इसके काम में लगे हुए हैं। तो किस तरह की मांग कर, किस तरह की कार्रवाई? देखो, कार्रवाई यही है, कोई भी हो इसके अंदर जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। मुकदमा वगैरह कुछ लिखा गया है? हाँ, ये अभी सुनने मारा है कि मुकदमा लिखा गया है, लेकिन अभी कार्रवाई किस तरह की कोई नहीं हो पाई है। अगला कदम क्या होगा आपका अगर इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगती? फिर हम और दूसरा कदम उठाएंगे। अगर इस इन पे सब पर रोक नहीं लगती है तो फिर और दूसरे रास्ते हम और आला अधिकारियों से मिलेंगे। अगर फिर भी नहीं बात बनती है, जनता प्रदर्शन करेंगे, यही हमारे पास। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? लड़ाई नहीं लड़ सकते कि हम भाई उनकी तरीके से डंडा लाठी लाएंगे, हम लाकर लड़ेंगे। कानून कार्रवाई की तरीके से कानून जो लड़ाई है उसको लड़ेंगे, जो संविधान ने हमको राइट दिया है। वहीं AIMIM के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक नई मंडी में मुकदमा दर्ज किया गया है लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही गिरफ्तारी नहीं की गई तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धरना प्रदर्शन करेगी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।